हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आए हैं। यहां पर इस वीडियो में बहुत से बच्चों की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का इस वीडियो में सॉल्यूशन दिया गया है। वो प्रॉब्लम्स क्या है पहले हम प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये है कि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाई है, ना ही सिलेबस उनका कंप्लीट हो पा है, ना ही पढ़ाई में उनका मन लग रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल मतलब कि उनकी डिस्टर्ब चल रही है। तो एक्चुअली में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप अभी से पढ़कर भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको देखो स्कोर करना है, देखो एक चीज तो ये है कि आप अपने से बहुत जितनी भी ट्रिक है वो आप लगा चुके हो, लेकिन पढ़ाई मन नहीं लग पा रहा है। तो देखो अगर किसी चीज का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। अगर आपसे नहीं कोई चीज समझ में आ रही है तो आप किसी ना किसी चीज की हेल्प ले सकते हैं, किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखते हैं तो आपको हम जो भी चीजें बताते हैं उन चीजों को आप अपनी स्टडी में फॉलो करना। आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और पढ़ाई में आप जो भी पढ़ रहे हो एग्जाम टाइम तक वो आपको याद भी रहेंगी और आपका स्कोर मतलब पेपर का बहुत अच्छा होने वाला है, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा आई थिंक। तो देखो आप लोगों को करना क्या है, पढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उन चीज़ों को विशेषकर बहुत ही ध्यान से सुनना, प्लस अपने पढ़ाई में उन चीज़ों को जरूर लगा देना। सबसे पहला आप लोगों को काम क्या करना है, उस पहले काम करने से पहले भी मैं बता रहा हूँ कि जिस जगह पर आप पढ़ने के लिए बैठे ना बस उस चीज़ का विशेष का ध्यान दें। आप बिल्कुल शांत जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज मौजूद ना हो, ना घर वाले, ना फ्रेंड्स, ना ही मतलब कि कोई शोर शराबा हो, ठीक है। उसके बाद में जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा वो पॉइंट्स आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ते समय सबसे पहले अपने आप को बोलना है, आंखें आप लोगों को बंद करनी है, फिर आपको अपने से बोलना है बी हेयर नाउ। क्या आप लोगों को बोलना है, देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, बोलना है बी हेयर नाउ। टेक्निक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें ये टेक्निक क्या काम करती है, जब आप अपने से बोलोगे ना बी हेयर नाउ, मतलब आप अपने दिमाग को बोल रहे हो कि आप अपने मस्तिष्क को बोल रहे हो कि आप अभी हम पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, आप यहीं पर रहो। मतलब जैसा हम अपने दिमाग को बोलेंगे वैसा ही वो काम करेगा। अगर माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी चल रही हैं और पढ़ाई के समय आप बैठते हैं तो सिंपल सी वाले आपका फोकस जो होगा वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से फोकस को बनाना है तो दिमाग को बोलना होगा बी हेयर नाउ, मतलब हम पढ़ने बैठे हैं, हमारा दिमाग यहीं पर होना चाहिए बिल्कुल स्थिर। आई थिंक पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है मेक इट इजी। आपको जैसा कि पता होगा कि हम जिस चीज़ को आसान समझ लेते हैं वो बहुत आसान बन जाता है और जिसको हार्ड समझ लेते हैं वो हार्ड बन जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बायोलॉजी अच्छी लगती है, तो बहुत से ऐसे हैं जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है, बहुत से ऐसे हैं जिनको मैथ अच्छी लगती है। तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, बस समझने का खेल है। अगर आप उसे आसान समझ लेते हो तो वो आपकी नज़रों में आसान बन जाती है और आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। और किसी चीज़ को तुम हार्ड समझ लेते हो तो वो तुम्हारे लिए हार्ड ही बन जाती है और तुम्हारी समझ से बाहर चली जाती है। बस आपको करना क्या है, जो चीज़ हार्ड होती है, जो भी लगे आप लोगों को, उसको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कोई चीज़ आपको हार्ड तब लगती है क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे पाते, और जो चीज़ तुम्हें इजी लगती है इसका मतलब आप उसको प्रॉपर टाइम देते हो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आपको क्या काम करना है, अपने दिमाग को बोलना है कि ये तो बहुत ही मतलब कि आसान चीज़ है, ये तो हिंदी की चीज़ें हैं, इसे तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से हर एक चीज़ों को कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले दिमाग को बोल दिया, देखो हमारा दिमाग जो है हर काम करने के लिए तैयार बैठा रहता है। मोबाइल इससे चलवा लो, कितना भी चलवा लो, ये थकता नहीं है। लेकिन अगर आप कितना भी खेलवा लो नहीं थकेगा, दोस्तों के साथ घुमा लो, उसको बहुत इन्जॉय आता है। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की तो पढ़ाई करते समय ये जो हमारा माइंड है ना ये बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। इसको ये पढ़ाई जो है वो बहुत हार्ड लगती है। तो आपको इसे बोलना होगा कि ये भाई कुछ नहीं, ये बहुत आसान सी चीज़ है। जब इसको आसान बोलोगे, इसको एंजॉय के साथ पढ़ोगे, इसे खेल के साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइंड जो है वो पढ़ाई के साथ खेलना शुरू कर देगा और आप लोगों को मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक दूसरा पॉइंट भी आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है हमारा रिवॉर्ड सिस्टम। ये रिवॉर्ड सिस्टम हर एक जगह पर देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि टेस्ट में, जैसे मान लो कॉलेज का टेस्ट है तो कॉलेज के टेस्ट में भी जो अच्छे नंबर लेकर आते हैं उनके लिए क्लास में तालियां बजवा दी जाती हैं, या फिर मान लो कोचिंग का टेस्ट है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया जाता है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एग्जाम आप क्रैक करते हैं तो उसमें भी आपको रिवार्ड मिलता है। तो रिवार्ड सिस्टम हर जगह पर काम आता है, बड़े लेवल पर भी, छोटे लेवल पर भी। बहुत सी बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो उनको रिवार्ड के लिए मतलब कुछ या तो पैसे दे दिए जाते हैं या फिर साइकिल वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है अच्छे नंबर वालों को। उसी तरीके से आपको क्या काम करना है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट
बेस्ट हो। आपको क्या काम करना है, पढ़ाई करने के दौरान जो भी आपकी पढ़ाई है उसको, जैसे मान लीजिए आज आपने टारगेट बनाया कि मुझे क्या काम करना है, मेरे को 150 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस मेरा टारगेट है, आज मुझे ये कवर करने हैं, तो उनमें तुम्हें क्या काम करना है। जैसे मान लो 150 को तुमने सेक्शन बनाया है तो 50-50 में आप लोग क्या काम करेंगे, तीन पार्ट में इनको डिवाइड कर देंगे क्वेश्चंस को। जैसे उसे आप डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि आपके मन पर एक साथ 150 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। अगर आप 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या काम करना है, इस तरीके से टारगेट बनाते हैं तो आपने सोच लिया कि मैंने 50 क्वेश्चंस करने के बाद में मुझे क्या काम करना है, जैसे तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि मुझे भाई सॉन्ग सुनना है, तो आप पहले 50 टारगेट करो, उसके बाद में सॉन्ग सुन सकते हो या फिर मान लो मोबाइल चला सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में या फिर आपको जो चीज़ खाने में पसंद है कि जैसे मान लो मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए कि मुझे आलू के पराठा खाना है या फिर मुझे कॉफ़ी पीनी है या कुछ भी काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद में उस काम को आप जरूर कर सकते हैं। और ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि आप लोगों के घर वालों ने भी बोला हो कि बेटा आप 90 क्रॉस करके लाओ, बहुत अच्छे नंबर से पास हो, मैं मोबाइल दिलाऊंगा आपको या फिर स्कूटी दिलाऊंगा या साइकिल दिलाऊंगा या कपड़े दिलाऊंगा, बहुत सारी कुछ भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। क्या आपके घर वालों ने ऐसा आप लोगों के साथ बोला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इंटरव्यू के बाद आप लोगों को क्या गिफ्ट मिलने वाला है। तो आई थिंक तीन पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। चौथे नंबर का जो पॉइंट है ये हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है, ये हमारा है ट्रिक। देखो किसी भी चीज़ को हमें याद करने में बहुत बड़ी हो सकता है प्रॉब्लम्स होती हो, जैसे मान लो हमारी केमिस्ट्री में प्रिडिक्टेबल हो गई या फिर हमारे बायोलॉजी जो है बायोलॉजी में हो सकता है कि क्या नाम है विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको याद करने की मतलब की प्रॉब्लम्स आ जाती है बहुत से लोगों के लिए, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है। तो ट्रिक में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि मुझे क्या काम करना है, विभिन्न प्रकार के मानव के अंदर होने वाले रोगों को याद करना है। जैसे मान लो रोग तो बहुत टाइप के हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा जैसे मुझे याद करना है कि केवल वायरस से होने वाले जो बीमारियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई, सर रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, ठीक है। अब इसमें हर एक शब्द से हर एक बीमारी को लिया गया है, ठीक है ना। वो बीमारी क्या है वो आपको मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, पूरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी किस तरीके से बनाया गया है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में और एक और है कि पापा काम पे सोते हैं, ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। जैसे पा से बन जाएगा पायरिया, पापा काम तो का से बन जाएगा कालाजार, माँ से बन जाएगा मलेरिया, ठीक है, पे से बन जाएगा पेचिस, सोते हैं तो सोते से बन जाएगा निंद्रा रोग, है इसमें साइलेंट है। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे मतलब बीमारियां हैं उनको आप याद कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की और भी सीरीज हैं उनको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो इन सभी चार जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इन चारों पॉइंटों को अपनी स्टडी में फॉलो करके आप आराम से चीज़ों को याद कर पाएंगे। देखो जब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगता है, जब चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन बातों को आप फॉलो जरूर करना। इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक प्रो टिप्स और देकर जा रहा हूं कि देखिए सबसे पहला काम क्या काम करना है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने लिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खूब पढ़ रहे हो लेकिन अंदर से आपके मन में ये चल रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या इतने बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मैं कैसे याद करूंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे करूंगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अंदर से कॉन्फिडेंस रहिए, उसके बाद में जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर निकालना है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही आप क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप स्कूल के कॉलेज के टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आपके मतलब कि यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, वन शॉट वीडियो दे सकते हैं, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। तो हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है, बस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में अगर आप लोगों को एग्जाम में कैसे कॉपी चेक करी जाती है उसके लिए और एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक ये वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आप उस वीडियो को लास्ट में आप जरूर देख सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पर दे रखी है, उस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर जरूर किया करें। लाइक मत करो, कमेंट मत करो, जो नहीं करना वो कुछ मत करो, लेकिन शेयर कर दिया करो, जिससे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जो टेंशन में उनको भी ये टिप्स मिल सकें और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।